हॉस्पिटल की जो बाउंड्री थी उसके पीछे बैठ के ये शराब पीना स्टार्ट कर देता है। सोनागाची नाम से एक रेड लाइट एरिया है, वहां पे जाने का ये प्लान करते हैं। पुलिस जब ब्लूटूथ ईयरपीस को इसके मोबाइल के पास ले गई तो वो उससे कनेक्ट हो जाता है। फीमेल डेड बॉडी आई हुई होती है तो ये उसको यूज करके फिल्म बनाते हैं। इसकी हिस्ट्री रही है फीमेल्स के साथ वॉयलेंस करने की, लड़ाई करने की। बिना एफआईआर दर्ज हुए ही पोस्टमार्टम तक कर दिया जाता है बॉडी का। पास के सोनागाची से वर्कर्स को कॉलेज के अंदर लेके आते हैं। कुछ लोगों की फोटो आई बाहर जिनके लिंक टीएमसी से निकले। ये पूरे हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंढता है। देखिए, जो कोलकाता केस हुआ है इसकी वजह से पूरे देश में बहुत ज्यादा गुस्सा है। 24 घंटे के अंदर एक्यूज जो था उसको भी पकड़ लिया गया, सीबीआई को भी केस ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन ऐसी क्या चीजें सामने आ गई जिसकी वजह से लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ऐसी क्या सिचुएशन वहां पे बनी हुई है कि अथॉरिटी ने साफ कह दिया कि हमने एक्यूज जो है उसको पकड़ लिया है, तो फिर लोग इसको गैंग से क्यों जोड़ रहे हैं? तो देखिए, जो पूरा केस है ये जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि जो एक्चुअल रूट कॉज है वो आपको समझ में आए ताकि आप अपना ओपिनियन बना सकें। अभी आगे वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स जो बताऊंगा वो मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, न्यूज रिपोर्ट्स हैं, और इसके साथ साथ पोस्टमार्टम की जो ओरिजिनल कॉपी है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कुछ भी मैं अपने मन से नहीं लूंगा। तो देखिए, वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता में ये यहाँ पे लोकेटेड है आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर साल 2016 का टाइम था, और इस टाइम पे कॉलेज के अंदर एक कुक काम करता था जिसका नाम था संजय रॉय। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इसकी पूरी जड़ वो इसी आदमी के ऊपर है। और उस टाइम पे इसकी फैमिली में इसकी मदर और सिस्टर थी और वाइफ थी जिसका इससे डिवोर्स हो चुका था, और अर्निंग के लिए एज अ कुक ही आरजीकर कॉलेज में काम करता था। अब एक दिन संजय रॉय जो था वो काम करते करते बिना किसी को बताए इस कॉलेज से गायब हो जाता है, और एक कुक गायब हो गया था, ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं था, तो किसी ने इस पे ध्यान भी नहीं दिया। अब अगले 3 साल तक जो संजय रॉय था उसका कुछ पता नहीं चलता है कि वो कहां पे था। फिर 3 साल बाद यानी कि ईयर 2019 में संजय रॉय वेस्ट बंगाल की सिविक वॉलंटियर फोर्स को ज्वाइन कर लेता है। एक्चुअली वेस्ट बंगाल पुलिस में वर्कफोर्स कम होने की वजह से साल 2012 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो थी वो सिविक वॉलंटियर फोर्स का कॉन्सेप्ट लेके आई थी, जिसमें टेंपरेरी बेसिस पे पुलिस के सपोर्ट के लिए सिविक वॉलंटियर रखे जाने लगे जो पुलिस के अलग अलग कामों में हेल्प करते थे, और जितना ये काम करते थे उसकी जरूरत के हिसाब से इनको पैसा दे दिया जाता था, 12,000 रुपए दिए जाते थे। शुरू में संजय रॉय जो था उसने सिविक वॉलंटियर फोर्स के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ जुगाड़ लगा के नेताओं की चापलूसी वगैरह करके इसने अपने आप को डिजास्टर मैनेजमेंट से शिफ्ट करके सिविक वॉलंटियर फोर्स के वेलफेयर सेल में शिफ्ट करा लिया था, क्योंकि वेलफेयर सेल जो था उसमें हॉस्पिटल वगैरह आते थे, तो जुगाड़ से हॉस्पिटल के अंदर फ्री में बेड दिलवा के एडमिशन करा के ऊपरी कमाई बहुत होती थी, तो हर करप्ट सिविक वॉलंटियर जो था वो इसी सेल में जाना चाहता था। तो अपने आप को इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट करा के डेली बेसिस पे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने लगा और ऊपरी कमाई करने लगा। तो शिफ्ट होने के बाद ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज था इसके अंदर इसका आना जाना बहुत रेगुलर हो गया, कोई इसको रोकता टोकता नहीं था, ये जाके वहां पे पेशेंट्स को फ्री में जुगाड़ लगा के बेड्स वगैरह दिलवाता था और पैसे बनाता था। वेलफेयर सेल में शिफ्ट होने के बाद संजय रॉय था वो कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन में आ गया था, क्योंकि वेलफेयर सेल इसके अंडर ही आती है। तो करीब 1 साल के अंदर ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर इसकी पकड़ बहुत अच्छी हो गई थी, आना जाना तो पहले से था ही था इसका, क्योंकि पहले इसने बॉक्सिंग वगैरह भी करी थी, तो इसकी वजह से इसको आरजीकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट और ट्रॉमा वार्ड के आसपास सिक्योरिटी संभालने का काम दिया गया। लेकिन इसका जो मेन फोकस था वो ब्रोकर की तरह बस बेड वगैरह दिला के पैसा कमाने में था, अपने कनेक्शन बनाने में था, और इसके साथ साथ जो नए लड़के आते थे उनसे पैसे लेके उनको सिविक वॉलंटियर भी बनवाता था। अब देखिए, जैसे कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है NSUI, ऐसे बीजेपी की ABVP है, ऐसे ही तृणमूल कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है तृणमूल छात्र परिषद, जिसका काफी अच्छा इन्फ्लुएंस है आरजीकर मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन में, और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट इलेक्शन होते हैं हर साल उसमें भी इनका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो संजय था ये स्टूडेंट विंग के प्रोमिनेंट लीडर जो थे उनकी भी बहुत चापलूसी करता था, और उनसे इसने काफी अच्छे लिंक बना लिए थे। एक पुलिस वेलफेयर बोर्ड होता है जिसमें 14 मेंबर्स की सेंट्रल कमेटी होती है, जिसमें पुलिस की फैमिली वगैरह जो होती है उनके वेलफेयर के लिए काम होता है, तो इसके लिंक इतने स्ट्रांग हो गए थे कि इस वेलफेयर के अंदर इसको भी रखा गया था। इनफैक्ट ये भी कहा गया कि इसके चक्कर में यानी कि इसके डिसअप्रूवल की वजह से कई पुलिस का ट्रांसफर भी हुआ, इसकी वजह से इसकी कंप्लेन भी हुई थी
कि थाला पुलिस स्टेशन और श्याम बाजार पुलिस स्टेशन जो है वहां के 6 पुलिस वालों का ट्रांसफर में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा था। और उस टाइम पे जो इशू हुआ था ट्रांसफर वाला, जिसमें संजय राव का नाम आया था, इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब इसके साथ साथ सेम ईयर यानी कि 2020 में संजय रॉय को हॉस्पिटल के अंदर रहने के लिए बैरक भी मिला, जो जनरली पुलिस कांस्टेबल ओसी रैंक के होते हैं उनके लिए होता है। तो ये बैरक इसको भी मिलता। उस टाइम पे जो बैरक था ये एएसआई अनूप दत्ता का था, जिसको संजय रॉय यूज करने लगा था। इसको एएसआई दत्ता के भी बहुत करीब माना जाता है। अभी रिसेंटली भी आपने फुटेज वगैरह देखी होंगी न्यूज मीडिया में, एएसआई दत्ता जो थे वो भाग रहे थे और मीडिया उनका पीछा कर रही थी, तो इनकी भी इंक्वायरी हो रही है इस समय, अभी आएंगे उस पे भी। तो संजय रॉय को डेली 5 लीटर पेट्रोल मिलता था इसकी बाइक के लिए, काम के हिसाब से 12,000 रुपए भी मिलते थे, हॉस्पिटल में फ्री बेड वगैरह दिलवा के इसकी कमाई तो ऊपर से हो ही रही थी, तो इसकी हर तरफ से इसके मजे थे। अब इसके एक साल बाद यानी कि ईयर 2021 में आर्जिकल हॉस्पिटल में एक बड़ा चेंज होता है। आर्जिकल कॉलेज के अंदर एक नए प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, डॉक्टर संदीप घोष। ये इससे पहले नेशनल मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, तो वहां पे काफी एलिगेशन वगैरह लगे इनके ऊपर, तो इनका ट्रांसफर करके आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में लाया गया प्रिंसिपल बना के। और जब ये प्रिंसिपल बने थे तो आर्जिकल कॉलेज के अंदर ही 16 साल से डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली जो थे, उनका ये कहना था और ये चीज उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी बोली थी कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये सिविक वॉलंटियर संजय रॉय जो है ये प्रिंसिपल के बहुत क्लोज हो गया था उस टाइम पे। जो प्रिंसिपल के 4 खास लोग थे जैसे अफसर खान, जैसे सोनू, तो उसमें ये संजय रॉय भी एक था। और यही वो टाइम था, इस टाइम पे संजय रॉय जो था उसने अपने आसपास के लोगों पे इन्फ्लुएंस बनाने के लिए अपनी बाइक के ऊपर कोलकाता पुलिस लिखवा दिया था, जबकि वो सिविक वॉलंटियर था। और जो वो टी शर्ट भी पहनता था उसके ऊपर भी इसने कोलकाता पुलिस लिखवा लिया था। उसके आसपास के जो लोग थे वो इसको पुलिस समझते थे, उनको डिफरेंस नहीं पता था सिविक वॉलंटियर और पुलिस फोर्स में। और इस टाइम पे इसका काफी अच्छा रुतबा था, हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर भी इसकी बहुत चलती थी, बिना किसी गार्ड के रोक टोक के आराम से जिस वार्ड में जाना चाहता था, जिस फ्लोर में जाना चाहता था, जिस रूम में जाना चाहता था, बड़े आराम से जाता था। और 2022 का जब टाइम आता तो ये दोबारा से भी शादी करता है और बिना किसी दिक्कत के इसकी आराम से शादी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद ये डोमेस्टिक वायलेंस शुरू कर देता है, जैसे अपनी पहली पत्नी को मारता था ठीक उसी तरीके से इसके साथ भी इसने मारपीटी शुरू कर दी थी। लेकिन हद तो तब पार हो गई थी जब इसकी वाइफ 3 मंथ प्रेग्नेंट थी और इसने उसके बाद भी इसको लात मार दी थी। इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इलाज भी नहीं कराता था, मारता अलग से था। और फिर इसको लेके पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेन भी होती है, लड़की की मां आती है और वो कंप्लेन करती है। और इसके बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो लड़की की मां थक हार के अपनी बेटी को वापस ले जाती है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद इसकी जो दूसरी वाइफ थी उसकी भी डेथ हो जाती है। उसमें बीमार गिरा, मारा धारा, बीमार गिरा, 3 महीना का पेट में बच्चा था वो भी खराब किया। फिर पुलिस को रिपोर्ट लिखाया, पुलिस रिपोर्ट लिया कालीगढ़ थाना में। अब इसके बाद ईयर आता है 2023। इस टाइम पे संजय रॉय आराम से अपनी जिंदगी काट रहा था, लेकिन इस टाइम पे प्रिंसिपल जो थे आर्जिकल कॉलेज के उनका टाइम सही नहीं चल रहा था। और जून 2023 में बात काफी ज्यादा आगे बढ़ गई थी और लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, जो स्टाफ थे, उन्होंने एलिगेशन लगाना चालू कर दिए थे कि जो प्रिंसिपल है ये करप्ट है, फाइनेंशियल फ्रॉड करे हैं इसने, ह्यूमन बॉडी के पार्ट की भी तस्करी करी है, इस तरीके के भी एलिगेशन लगाए गए। और ऐसा सब कह क्यों रहे थे, इसके पीछे मेन रीजन था बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी देबाल कुमार घोष जो थे उनकी इंक्वायरी का सबके सामने आना। जो इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी उसमें स्पेशल सेक्रेटरी देबाल कुमार घोष ने कहा था कि ये जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष हैं, इनके और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में इलीगल एक्टिविटी हो रही है। प्रिंसिपल संदीप घोष जो है इन्होंने कॉलेज के कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के काम में बहुत सारे पैसे का घपला किया और एक सीक्रेट एग्रीमेंट भी साइन किया इन कॉन्ट्रैक्टर के साथ बिडिंग प्रोसेस के लिए। दूसरी चीज बोली गई कि आर्जिकल हॉस्पिटल के बायोमेडिकल वेस्ट में प्रिंसिपल जो है वो धांधली कर रहे हैं। एक्चुअली जो हॉस्पिटल होता है उसमें नॉर्मल वेस्ट के साथ साथ बायोमेडिकल वेस्ट भी होता है, जैसे यूज सिरिंज हो गई, ऑक्सीजन मास्क वगैरह हो गए, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये ऐसे ही कूड़े में नहीं फेंक दी जाती हैं, इसका बहुत नुकसान हो सकता है आम जिंदगी पे। तो इसके लिए एक BMW की अलग से सेल होती है, वो उसको उठा के ले जाती है और उसको मैनेज करती है ताकि दोबारा से यूज ना हो, ताकि HIV वगैरह या फिर कोई और बीमारी हो किसी को तो वो ना फैल जाए। तो इसलिए BMW सेल जो होता है एक प्रोसेस के थ्रू इस बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्ट्रॉय करती है। तो इस चीज में कहा गया कि ये जो प्रिंसिपल संदीप है, इन बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्ट्रॉय करना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इसको ओपन मार्केट में जाके बेच रहे हैं और उसमें से 20% कट अपने लिए रख रहे हैं और इसमें गवर्नमेंट के भी लोग इन्वॉल्व हैं और ये चीज आम जनता के लिए बहुत डेंजरस है और इस पे एक्शन लेना चाहिए। इसके बाद लोग जो थे वो बहुत ज्यादा प्रिंसिपल के पीछे पड़ जाते हैं। TV9 बांग्ला एक स्टिंग ऑपरेशन भी करता है, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। और जब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगते हैं इसको लेके तो सिर्फ 2 महीने बाद ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो थी वो एक SIT बैठाती है और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इसमें कई सारी चीजों को लेके जो प्रिंसिपल थे वो फंस गए थे, जैसे इसमें कहा गया कि NRS मेडिकल कॉलेज जो है उसकी और आर्जिकल मेडिकल कॉलेज जो है उसकी बेड कैपेसिटी सेम थी, लेकिन NRS मेडिकल कॉलेज का बायोमेडिकल वेस्ट 1,53,650 kg था
और वहीं आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसका बायोमेडिकल वेस्ट जो था वो सिर्फ 49,044 केजी था, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस था। ऐसे ही हर कॉलेज की जैसे डिजिटल स्किल लैब बनाई जाती है, तो आर्जिकल हॉस्पिटल की भी डिजिटल स्किल लैब जो थी जब बनाई गई तो उसमें 2,97,36,000 रुपीज लगे, और सेम डिजिटल स्किल लैब डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज में 61,47,294 रुपीस में बनाई गई। कॉलेज के पुराने गवर्नमेंट एम्प्लॉई डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने कहा कि ये क्या मजाक चल रहा। इस टाइम पे कंप्लेन भी की इन्होंने, इन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट की, एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट बनाई। ये उस रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी है, आप पॉज करके पढ़ लेना, साइड में सारे एविडेंस मेंशन है और राइट में जो ऑफिशियल्स के ऑब्जर्वेशन थे वो सारे मेंशन है। इसमें बांग्लादेशी लोगों के भी कई नाम आए, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और उसके बाद लोग खुल के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में बोलने लगे। अगस्त 2023 में कोलकाता पुलिस जो थी उसने डॉक्टर संदीप घोष के ऊपर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, मल्टीपल केस रजिस्टर किए। और जब कुछ होता नहीं है तो कॉलेज के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली जो थे वो प्रिंसिपल के पीछे पड़ गए। उन्होंने अलग से रिपोर्टें बना बना के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, विजिलेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट सबको ये रिपोर्टें भेजना चालू किया। अख्तर अली ने ममता बनर्जी को भी लेटर लिखा, और जब अख्तर अली मान नहीं रहे थे, बहुत ज्यादा कर रहे थे, तो उल्टा उनका ट्रांसफर हो गया कॉलेज से। लेकिन कुछ टाइम बाद स्टूडेंट्स ने यह कहा कि प्रिंसिपल उनके अगेंस्ट में जाने की वजह से, स्ट्राइक करने की वजह से उनको जानबूझ के फेल कर रहे हैं। थ्योरी में जिनके 70 मार्क्स थे वो भी प्रैक्टिकल में फेल हो रहे थे, और इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो था वो भी नहीं मिल रहा था। इसके बिना स्टूडेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता उनको, स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बात यहां तक बढ़ गई थी, कई मेडिकल स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल को मारने के लिए दौड़ा भी लिया था। ओरिजिनल वीडियो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। प्रिंसिपल को कॉलेज के अंदर चलने के लिए बाउंसर रखना पड़ता था। तो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें ये वाले स्टूडेंट्स भी हैं जो पहले से ही खुश नहीं है। तो अब आते हैं करंट सिचुएशन में। तो इधर ये सारी चीजें चल रही थी, ऐसा करते करते ईयर आ चुका था 2024। तो ऐसे ही मार्च 2024 में, यानी कि इसी साल, एक औरत थी जिसका बेटा बहुत बीमार था, तो संजय रॉय जो था उसकी गलत नजर पड़ जाती है इसके ऊपर। वो इस औरत की मदद करता है, बेटे का इलाज करवाता है, दवाइयों तक के जो पैसे होते हैं वो संजय रॉय जो था वो खुद देता है, और औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है इससे। लेकिन उसके बाद संजय रॉय क्या करता है, वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में से नंबर निकाल लेता है उस औरत का, और उसको बैक टू बैक गंदे मैसेज और कॉल वगैरह करने लगता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये News18 बंगला ने उस टाइम पे कवर भी किया। तो ये उस टाइम पे उस औरत को बहुत ज्यादा हैरास करने लगता है और जबरदस्ती उसको मिलने के लिए बुलाता है कि तुझे आना पड़ेगा, और उसको डराता धमकाता भी है। तो औरत जो थी, जब उसके पास कोई चारा नहीं बचता और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, तो उसको लाल बाजार पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करनी पड़ती। लाल बाजार में ही कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर है। तो ये कंप्लेन आने के बाद पुलिस जो है वो संजय रॉय को बुलाती है। पुलिस ने इसका कॉल डेटा रिकॉर्ड CDR निकलवाया और इसका मोबाइल वगैरह चेक किया, तो उसमें ये पकड़ा जाता है कि ये सच में परेशान कर रहा था। जितनी भी कॉल वगैरह थी सारी की सारी पुलिस ने ट्रेस कर ली थी। अब कायदे में तो इसके ऊपर IPC के तहत हरासमेंट के चार्जेस लगने थे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह, ये दुनिया भर के चार्जेस लग सकते थे। इनफैक्ट इसकी जो सिविक वॉलंटियर की जो पोजीशन थी उससे भी इसको हटा देना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्या रीजन था कि इसके साथ कुछ होता ही नहीं है इस पूरे केस में, और शायद इन्हीं सब रीजंस की वजह से इसकी इतनी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। अगर उसी टाइम पे इसके ऊपर एक्शन हुआ होता तो आज जो इंसिडेंट हुआ वो होता नहीं। रूल्स के हिसाब से सिविक वॉलंटियर की जो पोस्ट है उसमें आप किसी को भी हायर करोगे तो उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, कोई भी केस नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन संजय रॉय जो था उसके ऊपर तो ऑलरेडी उसकी वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रखा था, ऊपर से ये वाला केस भी हो गया था, उसके बाद भी इसको रखा गया। अब ये जो कंप्लेन वगैरह की थी इस औरत ने, इसका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक चीज ये हुई थी कि इस औरत को इसने दोबारा परेशान करना बंद कर दिया था। और ठीक इस इंसिडेंट के एक वीक बाद संजय रॉय के ऊपर एक और कंप्लेन होती है, जिसमें इसने एक फीमेल डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया था, इससे बदतमीजी की थी। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी हिस्ट्री रही है फीमेल्स के साथ वायलेंस करने की, लड़ाई करने की, उनके साथ आर्गुमेंट करने की, किसी लड़के के साथ इसका कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो अभी जो आजकल मेडिकल कॉलेज है इसके अंदर जो अभी करंट इंसिडेंट हुआ उसकी जो विक्टिम थी वो भी यहां से अपनी MBBS पूरी करने के बाद इसी कॉलेज से MD कर रही थी, सेकंड ईयर में थी वो। एक्चुअली MBBS करने के बाद डॉक्टर 3 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम MD या फिर MS ऑप्ट करते हैं, इनको रेसिडेंट डॉक्टर बोला जाता है। इंडिया के अंदर रेसिडेंट डॉक्टर जो होते हैं उनकी हालत बहुत खराब रहती है, उसे बहुत ज्यादा काम कराया जाता है। एक तरह से हॉस्पिटल जो है वही इनका रेसिडेंट बन जाता है, इसीलिए इनको रेसिडेंट डॉक्टर बोला जाता है। तो ऐसे आजकल कॉलेज में ऐसे 300-400 से ज्यादा रेसिडेंट डॉक्टर थे, और विक्टिम जो थी जो यहां से अपनी MD कर रही थी पूरी, वो अपने माँ बाप की अकेली लड़की थी। पेरेंट्स जो थे इनके, इन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही मेहनत से कमा के पढ़ाया था। फादर इनके टेलर थे, तो फाइनेंशियल कंडीशन भी इनकी कोई अच्छी नहीं थी। पूरी फैमिली जो थी इस कॉलेज से MD पूरे होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि सेकंड ईयर में थी तो बहुत कम टाइम बचा था ताकि जल्दी से डॉक्टर बन सके। तो अब यहां से होता क्या है कि अगस्त मंथ का फर्स्ट वीक स्टार्ट हो चुका था, और 5th अगस्त से 8th अगस्त इसी साल की मैं बात कर रहा हूं 2024 की, ये जो संजय रॉय था ये एज अ सिविक असिस्टेंट खड़कपुर के सालुआ जाना पड़ता है सिविक वॉलंटियर के किसी काम की वजह से। अब ये वहां पे जाता है और 8 अगस्त को वापस आता है, और यही वो दिन था जिस दिन संजय रॉय इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइम करने वाला था। तो इस
दिन यानी कि 8th ऑफ अगस्त 2024 को दिन में ही संजय रॉय जो था वो हॉस्पिटल में आता है, एक पेशेंट का एडमिशन कराना था इसको। ये पेशेंट जो था वो इसके ही जैसे एक सिविक वॉलंटियर था, उसके रिलेशन में आते थे। और जब ये हॉस्पिटल में आया था इस पेशेंट के काम से, उसी टाइम जो विक्टिम थी उनको इसने फॉलो भी किया था, सीसीटीवी फुटेज से पता चला। तो पेशेंट का एडमिशन कराने के बाद थोड़ी देर हॉस्पिटल में घूमता है और उसके बाद हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। इसके बाद फिर से एक एक्सरे से रिलेटेड इसको कोई काम आता है, इसी पेशेंट से रिलेटेड, तो दोबारा ये रात में 11 बजे हॉस्पिटल में आता है, वो काम कराता है और पेशेंट की जो सर्जरी थी वो करीब 1 बजे प्लान थी, तो ये वहीं पे रुकता है। अब इधर सर्जरी स्टार्ट होती है और ये उसी पेशेंट के रिलेटिव जो कि इसका दोस्त था और सिविक वॉलंटियर भी था, उसके साथ हॉस्पिटल की जो बाउंड्री थी उसके पीछे बैठ के ये शराब पीना स्टार्ट कर देता है। अब जब शराब पीते पीते इनको थोड़ा टाइम हो जाता है, तो ये वहीं से थोड़ी दूर पे एक सोनागाची नाम से एक रेड लाइट एरिया है, वहां पे जाने का ये प्लान करते हैं। और फिर ये वहां पहुंचने के बाद इसका जो दोस्त था वो अंदर चला जाता है, संजय जो था वो वहीं बाहर रोड पे वेट करता है और जो बाहर औरतें जा रही थी उनको छेड़ता है। इसके बाद इसका दोस्त वापस आता है, ये दोनों वहीं से थोड़ी दूर पे चेटला एक दूसरा रेड लाइट एरिया है, वहां पे दोनों साथ में मिलके जाते हैं। दोबारा से इसका दोस्त अंदर जाता है और संजय जो था वहीं बाहर रोड पे ही एक लड़की थी उसको पैसे देके उसके प्राइवेट फोटो मोबाइल में मंगा लेता है। अब इसके थोड़ी देर बाद इसका दोस्त वापस आता है, ये दोनों उसी एरिया में घूमते हैं और उसके बाद इसका जो दोस्त होता है वो ऊबर बाइक को बुक करता है और वहां से दोस्त निकल जाता है। अब यहां से संजय जो था वो नशे की हालत में धुत था और अकेला था, यहां से वो वायलेंट एडल्ट कंटेंट देखता अपने मोबाइल में, दोबारा से अल्कोहल जाके पीता है और फिर ये कुछ देर बाद हॉस्पिटल की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम करीब 2 से 2:30 बज रहे थे और ये हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो विक्टिम थी वो भी हॉस्पिटल में आई थी, उनकी 36 आवर की शिफ्ट चल रही थी जिसमें कॉन्टिन्यूसली लिमिटेड ब्रेक्स के साथ 36 आवर्स तक काम करना होता है और इस टाइम पे आप घर नहीं जा सकते, उसी हॉस्पिटल में रहना होता है, तो सोना खाना पीना सब कुछ हॉस्पिटल में ही करना होता है। तो लास्ट 36 आवर से ये हॉस्पिटल में ही थी। रात में करीब 11 बजे के करीब ये जो विक्टिम थी इनकी अपने पेरेंट्स से फोन पे बात होती है, उसके बाद इनको भूख लगती है, तो जो विक्टिम थी वो अपने फर्स्ट ईयर के दो जूनियर थे इनके, ओरको और सौमित्रा, उनके साथ मिलकर बाहर से फूड ऑर्डर करती है और उसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में उस समय लाइव जैवलिन थ्रो होना था तो उसको देखने का प्लान करते हैं। और टीवी जो था वो थर्ड फ्लोर पे सेमिनार हॉल में था, तो ये तीनों लोग थर्ड फ्लोर पे सेमिनार हॉल में पहुंचते हैं और ये तीनों ही चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के ही थे। अब इसके बाद ये जो टीवी पे लाइव मैच देख रहे थे वो खत्म हो जाता है, ओरको और सौमित्रा जो थे वो सेमिनार हॉल से चले जाते हैं और विक्टिम वहीं अपनी स्टडी करती है। इसी सेमिनार हॉल में रात के 2 बज रहे थे और एक स्टाफ मेंबर था वो विक्टिम के पास जाता है और पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करता और फिर चला जाता है। तब तक सारी चीजें ठीक थी। इसके बाद 2:35 पे जो विक्टिम थी उनकी कजन का एक मैसेज आया था और 2:35 पे विक्टिम जो थी उन्होंने रिप्लाई किया था उस मैसेज का। इसके बाद 3 बजे एक स्टाफ जिसका नाम गोलन था वो सेमिनार हॉल के बगल से गुजरता है और इस टाइम तक जो विक्टिम थी वो एक रेड ब्लैंकेट लेके गद्दा पड़ा था फ्लोर पे सेमिनार हॉल के अंदर और उसी के ऊपर सो रही थी। उस टाइम पे जो स्लीप रूम था वहां पे पॉलीसोमनोग्राफी स्लीप डिसऑर्डर का एक टेस्ट चल रहा था, इसकी वजह से कहीं और जगह नहीं थी सोने की तो वहीं सो गई थी। ये हमेशा अपने साथ एक डायरी रखती थी और सोने से पहले लिखती थी उसमें, तो उस दिन भी इनके पास एक डायरी थी और उस दिन भी इन्होंने लिखा था। इस डायरी में ये अपने फ्यूचर के प्लान्स वगैरह लिखती थी, जैसे आर्जिकल कॉलेज से इन्हें गोल्ड मेडल अचीव करना है, कुछ बड़े हॉस्पिटल्स के नाम लिखे थे और उसमें लिखा था कि यहां पे आगे चल के इन्होंने काम करना है। तो यहां पे अब ये सो रही थी सेमिनार हॉल के अंदर और अब टाइम हो चुका था 3:50 और इस टाइम तक संजय रॉय जो था वो हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। सीसीटीवी में जब चेक किया गया था तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे ये हॉस्पिटल के मेन गेट से एंट्री करते हुए दिखता है। अब इसके बाद ये पूरे हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंढता है, ऐसा नहीं कि ये गया था वहां पे धोखे से मिल गई, ये एक्चुअल में वहां पे अलग अलग ऑपरेशन थिएटर थे, टेस्ट डिपार्टमेंट थे, ये वहां जाके देखता है कि कहीं कोई फीमेल पेशेंट हो, बेहोश हो, तो एक्चुअल में किसी को ढूंढ रहा था कि कोई क्राइम करने के लिए मिल जाए, क्योंकि सीसीटीवी में देखा गया है कि अलग अलग रूम में जा जाके ये देख रहा था। और फिर 4:03 पे थर्ड फ्लोर पे पहुंचता है और सेमिनार हॉल में घुस जाता है। ये इसकी ओरिजिनल पिक है सीसीटीवी से निकली हुई। जब ये सेमिनार हॉल में घुस रहा था तो इसके गले के अंदर एक ब्लूटूथ ईयरपीस था और इसी ब्लूटूथ डिवाइस की वजह से आगे चल के पकड़ा जाएगा, अभी आएगा आगे। सेमिनार हॉल में पहुंचने के बाद ये वहां विक्टिम को देखता है और फिर अटैक कर देता है, गला दबाता है, काफी ज्यादा मारता है, विक्टिम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। 4:03 पे सेमिनार हॉल में घुसा था और पोस्टमार्टम में 4:15 के बाद का टाइम मेंशन था डेथ का, तो इसका मतलब है कि काफी देर तक स्ट्रगल हुआ था। और सेमिनार हॉल जो था वहां पे स्पीचेस वगैरह दी जाती थी और साउंड प्रूफिंग थी वहां पे, तो इसकी वजह से जो भी हल्ला हो रहा था वो बाहर आवाज नहीं जा पा रही। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको ऑलरेडी पता है तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसने अपनी सारी लिमिट तोड़ दी थी। और ये क्राइम करने के बाद करीब 4:40 पे सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है, तो करीब 37 तक सेमिनार हॉल में रहता है। और यहां से निकलने के बाद जो वहीं हॉस्पिटल कैंपस के अंदर जो बैरक थी जो इसको मिली हुई थी, बड़े आराम से जाके वहीं पे सो जाता है, कहीं पे भागता नहीं है,
कोई इसके दिमाग में टेंशन नहीं थी। अब इसके बाद सुबह होती है और औरों को जो था वो इस सेमिनार हॉल में जाता है और जैसे ही वो जाता है वहां से बहुत ज्यादा चीखता है और वहां से निकलने के बाद वो सबको पूरी सिचुएशन बताता है। बॉडी पे आधे कपड़े पड़े हुए थे, मुंह पे चोट थी, चश्मा टूटा हुआ था, आंखों से खून आ रहा था, पूरी बॉडी पे चोट थी। और ये सब पता चलने के बाद एक घंटे यानी 6 से 7, 7:30 बजे के बीच में बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है सेमिनार हॉल में। लोग जूते वगैरह पहन के काफी ज्यादा घुस जाते हैं, तो जो क्राइम सीन था उसकी भी धज्जियां उड़ चुकी थी, जगह जगह पे फिंगरप्रिंट्स भी आ गए थे। और इसी टाइम पे हायर अथॉरिटी जो थी वो प्रिंसिपल संदीप घोष को फोन भी कर देती है, वहीं हॉस्पिटल से पास में ही रहते थे वो। लेकिन फोन करने के करीब एक घंटे बाद वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और राइट अवे पुलिस को कंप्लेन करने की बजाय पहले वो खुद सेमिनार हॉल में जाके देखते हैं और इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया इनको कि पहले इनको पुलिस को जाके इंसिडेंट बताना था ना कि खुद जाके पहले चेक करना था। अब इसके बाद करीब एक घंटा बीत चुका था और जो प्रिंसिपल थे वो अपने ऑफिस में पहुंचते हैं और वहां से पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म करते हैं। और सेम टाइम पे कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट करीब 10:50 के करीब विक्टिम के घर पे फोन मिलाते हैं। विक्टिम की मदर फोन उठाती हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप कॉलेज आ जाइए, और इसके अलावा और कुछ नहीं कहते और फोन काट देते हैं। अब ये सारी चीजें सुन के विक्टिम के घर वाले दोबारा कॉल करते हैं कि क्या हुआ, दोबारा से फोन मिलाते हैं तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने कहा कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। और ये सारी चीजें सुनते ही घर वालों के होश उड़ जाते हैं और वो कॉलेज की तरफ दौड़ना स्टार्ट करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के अंदर करीब 11:30 पे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और फोरेंसिक टीम जो थी वो क्राइम सीन पे पहुंच गई थी। लोग बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं उनके सामने ही होगी, क्योंकि उनको जो इससे पहले जो चीजें हुई थी उसको लेके डाउट था, इसलिए वो कहते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं उनके सामने ही सारी चीजें होंगी। अब सेम टाइम पे करीब 12 बजे पेरेंट्स जो थे वो भी कॉलेज पहुंच जाते हैं और पेरेंट्स जो थे वो पहुंचते ही कहते हैं कि उनको अपनी बेटी से मिलना है, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता है। 3 घंटे तक वो कंटिन्यूअसली ट्राई करते हैं कि अपनी बेटी को एक बार देख लें, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया जाता है। इसके बाद 3:30 पे पेरेंट्स को उनकी बेटी की बॉडी दिखाई जाती है और पेरेंट्स देखते ही कहते हैं कि ये कोई साइड नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हो, ये तो किसी ने मारा है। अब यहाँ से बात फैलने लगती है और जितने भी डॉक्टर्स थे वो सब काम वगैरह छोड़ के इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ही गुस्से में थे सारे लोग क्योंकि एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी चीज हो गई थी। अब शाम के 6:00 जो बॉडी थी उसको ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है और इस टाइम पे विक्टिम की जो दोस्त थी वो बहुत समझदारी दिखाती है, वो कहती है कि बिना वीडियोग्राफी के कोई भी ऑटोप्सी नहीं होगी, तो वो इस चीज की डिमांड रख देती है वहां पे। और इसकी वजह से जो ऑटोप्सी होती है वो पूरी की पूरी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और इनिशियल रिपोर्ट में जब बताया जाता है कि कहां पे चोट लगी है तो सब लोग समझ जाते हैं कि ये कोई सुसाइड का केस नहीं है, ये तो मर्डर का केस है। ये उस ऑटोप्सी की ओरिजिनल कॉपी है, आप पॉज करके पढ़ लेना। इतना टाइम हो चुका था लेकिन किसी ने भी एफआईआर दर्ज नहीं की थी और बिना एफआईआर दर्ज हुए ही पोस्टमार्टम तक कर दिया जाता है बॉडी का। ये पोस्टमार्टम की कॉपी है, ये रिपोर्ट आते ही लोग कहना स्टार्ट कर देते हैं कि ये कोई एक आदमी ने नहीं किया है, ये तो क्योंकि ये बात फैलने लगी थी कि 150 mg सीमेन मिला है और ऑन एन एवरेज एक इंडियन मेल बॉडी 5 mg तक ही प्रोड्यूस करती है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए लोग कहने लगे कि ये रेप है। हालांकि आगे चल के ये चीज थी ये गलत निकलती है, इसमें और भी बहुत सारे सब्सटेंस थे। इस पूरे सिचुएशन को जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा था वो डॉक्टर्स देख रहे थे और उनको शक हो रहा था कि इसमें कोई गहरी साजिश है, ये सारी की सारी चीजों को छुपाया जा रहा है और जिस तरीके से किया जा रहा है वो सही नहीं है। सारी चीजें हो चुकी थी, पोस्टमार्टम वगैरह तक हो गया था लेकिन किसी ने भी एफआईआर नहीं कराई थी। फिर विक्टिम के जो फादर थे उन्होंने जाके एफआईआर लिखवाई। स्टूडेंट्स ने बताया कि पुलिस भी बहुत ज्यादा जल्दी कर रही थी, उन्होंने तुरंत जाके शमशान घाट में जाके क्रिमेशन कर दिया। 3 बॉडी ऑलरेडी लगी हुई थी लाइन में, पुलिस ने उनको हटा के ये जो विक्टिम की बॉडी थी इनका क्रिमेशन स्टार्ट कर दिया और इसको लेके लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे कि इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई है इन लोगों को। अब यहां से जो है वो पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है, लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे और गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि अब ये जो सारी चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी अगर सही तरीके से इसको हैंडल नहीं करेंगे। तो पुलिस डिपार्टमेंट को तुरंत बता दिया जाता है कि कैसे भी करके जो एक्यूज्ड है उसको कैसे भी करके पकड़ के लेके आओ। अब यहां से पुलिस पूरी जान लगा के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पुलिस जब क्राइम सीन पे पहुंची थी तो उसको वहां से एक ब्लूटूथ ईयरपीस मिला था और इसको लेके पुलिस जो है वो सारे कॉलेज के जो कैमरा थे उनको देखना स्टार्ट करती है। सेमिनार हॉल जो था उसके अंदर कैमरा नहीं था लेकिन सेमिनार हॉल की जो लॉबी थी उसकी एंट्री और एग्जिट दोनों जगह पे कैमरा था और पुलिस जो थी वो 3 बजे के बाद से कौन कौन सेमिनार हॉल के अंदर आया, कौन कौन बाहर गया, सबको देखना स्टार्ट करती है। और उसी टाइम पे पुलिस जो है वो संजय रॉय को सेमिनार हॉल में जाते हुए देखती है और इस पे पुलिस को ज्यादा डाउट इसलिए होता है क्योंकि ये अकेला ऐसा था जो डॉक्टर नहीं था और सेमिनार हॉल में गया था और वो भी इतनी रात में। और इसके साथ साथ 3 बजे के बाद विक्टिम और संजय रॉय जो था ये सबसे ज्यादा देर तक सेमिनार हॉल में थे और संजय रॉय 37 मिनट सेमिनार के अंदर बिताने के बाद जब एग्जिट कर रहा था तो इसके गले के अंदर जो एंट्री करते समय ब्लूटूथ ईयरपीस था
वो निकलते समय था ही नहीं। तो इसकी वजह से इसके ऊपर डाउट होता है और पुलिस जो है वो इसके बैरक में पहुंचती है। इसने जो कपड़े थे उनको धो के चेंज कर दिया था, बाकी आराम से वहां पे सो रहा था। और पुलिस जब ब्लूटूथ ईयरपीस को इसके मोबाइल के पास ले गई तो वो उससे कनेक्ट हो जाता है। तो यहां से इसको उठा के इससे पूछताछ शुरू होती है और ये सारी चीजें बिना किसी डर के बताना चालू कर देता है। इसका जब मोबाइल चेक किया गया तो उसके अंदर से वॉयलेंट पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिलता है। पूरी सर्च हिस्ट्री इसकी इन्हीं सब चीजों से भरी हुई थी। अब इधर ये सारी चीजें चल रही थी और कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल ने ये कह दिया था कि विक्टिम जो है वो अकेली ही क्यों गई सेमिनार हॉल में। तो इसको लेके लोग और गुस्सा हो जाते हैं और 11 अगस्त तक छोटे छोटे स्केल पे इन सारी चीजों को लेके डॉक्टर जो थे वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रिंसिपल का रेजिग्नेशन मांगना भी स्टार्ट होता है कि इनका जरूर कुछ लिंक निकलेगा इसमें। और स्टूडेंट जो थे वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे थे कि ये जो एविडेंस है ये जानबूझ के मिटाए जा रहे हैं, आज ही कर कॉलेज के अंदर सारी चीजें सही से नहीं हो रही हैं, जरूर इसमें कुछ दिक्कत है। और इसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि एक तरफ इतना बड़ा केस हो गया था, उसी टाइम पे सेम फ्लोर पे सेमिनार हॉल जो था उससे 20 मीटर दूर पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवा दिया मैनेजमेंट ने। और इसके अगले ही दिन इतना ज्यादा प्रेशर गवर्नमेंट और प्रिंसिपल के ऊपर हो जाता है कि प्रिंसिपल रिजाइन कर देता है। लेकिन उसका रिजाइन एक्सेप्ट करने की बजाय उसको नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि कोलकाता में ही है वहां पे उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको प्रमोशन की तरह देखा जाता है कि एक तरफ इतना कुछ हो गया है और उसको सेम पोजीशन पे दूसरे और अच्छे कॉलेज में डाल दिया जा रहा है। लिंक में मैंने हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लगाई है, आप जरूर एक बार देखिएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल ने रेजिग्नेशन मारा था, दो ऑप्शन थे, या तो आप रिजेक्ट कर देते या एक्सेप्ट कर देते, इन दोनों ऑप्शन के अलावा आपने ट्रांसफर क्यों किया। ये चीज आपको हाई कोर्ट के जजमेंट के 10th पेज के 23rd पॉइंट पे ये चीज मिल जाएगी। हाई कोर्ट ने बहुत ज्यादा हार्श लैंग्वेज का यूज करके गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फटकार लगाई, लाइन बाय लाइन गलतियां बताई इस पूरी सिचुएशन में कि प्रिंसिपल ने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया उसको सजा देने की बजाय उसको प्रमोशन दिया जा रहा, उसको और अच्छे मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा है। और इसके साथ साथ एक चीज और बोली हाई कोर्ट ने कि अथॉरिटी जो थी वो विक्टिम की फैमिली के साथ नहीं खड़ी थी। और फिर इन सारी चीजों को देखते हुए ये जो केस था यानी कि रिट पिटीशन 332 ऑफ 2024 इसको 13 अगस्त को CBI को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी जो सिचुएशन थी यहाँ पे भी प्रोटेस्ट ऐसा था कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, लेकिन इसके अगले दिन यानी कि 14 अगस्त को एक प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्टूडेंट थी रिमझिन सिन्हा, इन्होंने एक पोस्ट डाल दिया फेसबुक पे कि सारे लोग रात में 8B बस स्टैंड जादवपुर में इकट्ठा हो जाओ, रिक्लेम द नाइट के नाम से एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना था, वुमेन सेफ्टी को लेके, इंसाफ मिले विक्टिम को, इन सारी चीजों को लेके एक प्रोटेस्ट करना था। अब ये एक ऐसा प्रोटेस्ट बन गया कि यहाँ पे काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और ये वो टाइम था जब कॉलेज के अंदर से बात निकल के पूरे कोलकाता और इंडिया के अंदर पहुंच गई थी और ममता बनर्जी के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कतें चालू हो गई थी। ये कुछ डिमांड थी जो उन्होंने मांगी थी प्रोटेस्ट के टाइम पे। अब जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और दिक्कतें गवर्नमेंट के लिए चालू हो रही थी तो 7,000 से 8,000 अननोन लोग बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ के और आर्जिकल हॉस्पिटल की जो बाउंड्री थी उससे कूद कूद के कैंपस के अंदर घुस जाते हैं, MRI मशीन तोड़ी जाती है, CCTV फुटेज तोड़ी जाती है, प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे थे उनको भागना पड़ता है, हॉस्टल के अंदर जो लड़कियां थी वो भी और ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब ये सब क्या चीजें चल रही। और इसके साथ साथ ये जो अननोन लोग थे ये थर्ड फ्लोर पे भी घुसने का ट्राई करते हैं जहां ये क्राइम हुआ था, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती, पुलिस कुछ करने की बजाय टॉयलेट में छुप जाती है। ये देखिए इस तरीके से ये हाल कर दिया था इन लोगों ने। अब बात यहां पे ये थी कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं इससे दिक्कत किसको होगी, कौन इनको भेजेगा इस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। तो इसकी वजह से चीजें और खराब हुई और सीधे जो जवाबदेही थी वो गवर्नमेंट की बन रही थी। अब ये जो भीड़ आई थी इस भीड़ में से कुछ लोगों को पहचाना गया, उनकी फोटो बाहर आ गई। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें भीड़ में से कुछ लोगों की फोटो आई बाहर जिनके लिंक TMC से निकले। पहली फोटो सौमिक दास, ये सुकांता सेन शर्मा लोकल TMC लीडर है, उनके लिए काम करता था। लेकिन TMC ने इस पे क्लैरिफिकेशन दिया कि सपोर्टर तो ऐसे कोई भी हो सकता है, इसमें हमारा कोई लिंक नहीं है। दूसरी फोटो में ऋषि कांत मिश्रा दिखा, ये भी TMC का वर्कर है और साथ में बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर है। ऐसे ही सुबोदीप कुंडू, इसके आगे जो खड़ा है सौम्यदीप, ये दोनों भी TMC से निकले। ऐसे ही तुसी हल्दर, ये भी TMC से है। तो ऐसे करके और भी लोगों के नाम आए जिनका लिंक TMC से निकला। तो यहां से भीड़ और गुस्सा हो गई कि 100-200 लोग नहीं थे, ये कई हजार लोग थे। वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक ही जगह पे एक ही टाइम पे स्टेप बाय स्टेप सेमिनार हॉल की तरफ कैसे पहुंच गए थे लोग। अब देखिए ये जो पूरे प्रोटेस्ट चल रहे थे, ये पूरी सिचुएशन जो चल रही थी, इसमें अब आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि 24 घंटे के अंदर जिसने क्राइम किया उसको पकड़ लिया, जो केस है वो भी CBI को ट्रांसफर कर दिया गया, तो ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। तो देखिए ये जो हॉस्पिटल है इसकी जो पुरानी हिस्ट्री है उसकी वजह से जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इस इंसिडेंट में पूरी तरीके से यकीन नहीं करना चाह रहे हैं। इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री
की वजह से लोग कह रहे हैं कि केस इतना सिंपल नहीं है, इसमें और गहरी साजिश है, इसलिए इसमें फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। एक्चुअली हुआ क्या था कि ईयर 2001 में बैरकपुर में एक सौमित्रा विश्वास नाम का एक लड़का रहता था। उसने अगस्त के मंथ में अपने पेरेंट्स को बताया था कि आरजीकर हॉस्पिटल जो है यहाँ पे सारी चीजें सही नहीं चल रही हैं, यहाँ पे कुछ गलत काम होते हैं। और फिर इसके कुछ दिन बाद यानी कि 25th of August 2021 को आरजीकर कॉलेज में सौमित्रा विश्वास से लटके हुए मिलते हैं। और अभी जो केस चल रहा है इसी तरीके से कोलकाता पुलिस आई थी, कुछ इन्वेस्टिगेशन की थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कह दिया था कि ये केस है। और जैसे ही वो ये कहते हैं कि केस है, माँ बाप साफ मना कर देते कि लड़का खुश था, कोई दिक्कत नहीं थी, ये कोई केस नहीं है बल्कि मर्डर किया गया। सौमित्रा के जो माँ बाप थे वो गवर्नमेंट को मल्टीपल लेटर लिखते हैं कि आरजीकर कॉलेज जो है वहां पे कुछ गड़बड़ चल रही है, उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता, कुछ करिए इसको लेके। और जब कुछ नहीं होता है तो माँ बाप कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट जो है वो सारी चीजें देखता है। उसके बाद सीबीआई तो नहीं लेकिन सीआईडी की जांच शुरू करवा दी जाती है। 2-3 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलती है और इस इन्वेस्टिगेशन में कई स्टूडेंट्स और सौमित्रा के जो फ्रेंड थे उन्होंने अपने बयान में बोला कि आरजीकर कॉलेज की यूनियन के कुछ पावरफुल लोग यहाँ पे पॉर्नोग्राफी का काम करते हैं। इस चीज के बारे में पता सबको है लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि ये पावरफुल लोग हैं। आगे इसमें ये चीज कही गई कि ये लोग पास के सोनागाजी से वर्कर्स को कॉलेज के अंदर लेके आते हैं, उनसे पॉर्नोग्राफिक कंटेंट बनाते हैं और जो फेमस हीरोइन होती है उनकी इमेज से इनको रिप्लेस कर देते हैं। और कई बार जब कोई अवेलेबल नहीं होता है तो आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर कोई फ्रेश फीमेल डेड बॉडी आई हुई होती है तो ये उसको यूज करके फिल्म बनाते हैं और उसको बेचते हैं। और उस टाइम भी इसी आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर सेमिनार हॉल और रूम नंबर 15 का नाम आया था। और ये भी इसमें कहा गया था कि कभी कभी कॉलेज की जो लड़कियां होती थी उनका फेस भी यूज कर लिया जाता था, उनकी फिल्म बनाई जाती थी क्योंकि वो ज्यादा जल्दी बिकती थी। तो इस केस में भी ये बताया गया कि एक बार सौमित्रा विश्वास जो थे उनकी गर्लफ्रेंड के बर्थडे की एक पिक थी, उसको इन लोगों ने निकाल के वीडियो बना ली थी और सर्कुलेट कराना स्टार्ट कर दिया था। सौमित्रा इस चीज को लेके लड़ने चले गए और फिर सेम वीक में रूम नंबर 15 में ये इसे लटके हुए मिले। और जब इन सारी चीजों को लेके इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो एक रूम ऐसा भी मिला था जहां पे ट्राइपॉड और लाइट रिफ्लेक्टर जो होता है वो भी सीआईडी को मिला था। आज की डेट में तो ये फिर भी नॉर्मल है लेकिन 2001 में ये मिलना नॉर्मल नहीं था। तो इसको लेके भी बहुत कुछ हुआ था लेकिन इस केस में भी कोई पकड़ा नहीं गया और ये भी केस रहा। इसीलिए आज की डेट में भी आरजीकर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसकी डिटेल इंक्वायरी करवाना चाहते हैं क्योंकि इस केस को भी साइड से जोड़ दिया गया। और आरजीकर कॉलेज की हिस्ट्री रही है केसों को साइड में जोड़ने की। 2003 में अर्जित दत्ता, हर कोई शॉक्ड हो गया था कि इनकी जान कैसे चली गई, बाद में पता चला इन्होंने साइड कर लिया। ऐसे ही 2016 में आरजीकर हॉस्पिटल की डिपार्टमेंट हेड गौतम पाल की बॉडी मिली, उनका भी बताया गया कि उन्होंने साइड कर लिया। 2020 में भी पौलमी शाह के केस में बताया गया कि उन्होंने साइड कर लिया। एक इंटर्न भी थी उसका भी ये बताया गया कि ओवरडोज हो गई थी। इसीलिए सारे लोग इस पे एक डिटेल इंक्वायरी चाहते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है इस कॉलेज में, वो पता चले ये कोई एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई एक गहरी साजिश। अभी आज की डेट की बात करूं तो सीबीआई ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है, इसमें ये कहा गया है कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। तो एक्चुअल में हुआ क्या है ये तो टाइम आने पे सामने आएगा, लेकिन देश के अंदर इसकी वजह से जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, डरे हुए हैं, माँ बाप अपने बच्चों को कहीं भेजने से डर रहे हैं। विक्टिम जो थी जिसके साथ ही इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही होनहार लड़की थी, उसके बारे में मैंने पढ़ा है, सारी चीजें मैं इंक्लूड नहीं कर सकता इस वीडियो में। वो बहुत ही होनहार लड़की थी और अपने माँ बाप का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। बीबीसी को विक्टिम के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया, आप पढ़ोगे तो आप सोच भी नहीं सकते कितना गलत उस फैमिली के साथ हुआ है। विक्टिम के साथ इस एक्यूज्ड संजय राय ने बहुत ज्यादा दरिंदगी करी है। मैंने जानबूझ के इस वीडियो में उसको ऐड नहीं किया क्योंकि ना मैं बता पाऊंगा और ना आप सुन पाओगे। और हर बार आप देखोगे ऐसा ही होता है, फिर कुछ टाइम बाद लोग भूल जाते हैं और फिर दोबारा से वही सारी चीजें होती हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये चीजें दोबारा ना हों।